ओशी जा, आपकी मेंटर फ्रॉम गुन्नू जी क्रिएटर हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था नीड फॉर फूड फूड इन आवर फूडीज ऑफ फूड आज हम लोग पढ़ेंगे हाउ लिविंग थिंग्स गेट फूड और ये बिलोंग करता है साइंस की चैप्टर नंबर वन सोर्सेज ऑफ फूड से क्लास क्लासिक्स एनसीआर साइंस तो ए, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो ना देखा तो उसे देख लीजिएगा क्योंकि अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको ये समझ नहीं आएगा आगे का तो हाउ लिविंग थिंग्स गेट फूड लिविंग थिंग्स को फूड कहाँ से मिलता है नॉन ग्रीन प्लांट एंड ऑल एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स नॉट मेक देयर फूड नॉन ग्रीन प्लांट फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन ग्रीन प्लांट का मतलब होता है जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता ग्रीन प्लांट आखिर ग्रीन प्लांट और नॉन ग्रीन प्लांट में क्या डिफरेंस है ग्रीन प्लांट में क्लोरोफिल होता है और लोगों को एच सी ओ टू एच ओ टू और सनलाइट चाहिए होती है, इन लोगों को नहीं चाहिए होती ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं ये नहीं करते फोटोसिंथेसिस और फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं इसीलिए नॉन ग्रीन प्लांट कहते हैं आगे बढ़ते हैं तो नॉन ग्रीन प्लांट एनिमल और ह्यूमन बींग्स ये अपना फूड नहीं बना पाते हैं खुद से दे गेट देअ फूड फ्रॉम प्लांट और अदर एनिमल दैट प्लांट एज फूड ये फूड लेते हैं दूसरे प्लांट और एनिमल से जो दूसरे प्लांट और एनिमल जो दूसरे प्लांट को अपने फूड की तरह खाते हैं ग्रीन प्लांटारॉप और ग्रीन प्लांट को ऑटोट्रॉप्स क्यों कहते हैं इसीलिए क्योंकि ये अपना खाना खुद बनाते हैं वैल नॉन ग्रीन प्लांटर एंड ऑल एनिमल्स आर कॉल्ड हेट्रोड्रॉप्स और नॉन ग्रीन प्लाट और ऑल सारे एनिमल्स को हेट्रोड्रॉप क्यों कहते हैं क्योंकि ये अपना खाना नहीं बना पाते और ये बना लेते हैं और एक और बात ह्यूमन बींग्स भी एट्रोड्रॉप्स होते हैं ये अपना खाना नहीं बना सकते अब इसके सब टॉपिक पे आते हैं हैबिट्स ऑफ एनिमल्स डिपेंडिंग अपॉन द फूड देर ग्रूप एज कार्डिवर्स एंड ओमिवर्स क्यों डिपेंडिंग अपॉन द फूड दे ईट एनिमल को ग्रुप्ड किया गया है थ्री ग्रुप की थ्री ग्रुप्स में इनको डिवाइड किया गया है क्यों क्योंकि सब इन तीनों ग्रुप्स में जो एनिमल्स हैं उन सब की ईटिंग हैबिट्स अलग अलग है तो ईटिंग हैबिट्स को देख के थ्री ग्रुप्स में बांटा गया हर्बीवर्स कार्निवर्स और उमनीवोर्स एक एक देख के सबको एक एक करके पढ़ते हैं आइए पहले हम लोग पढ़ेंगे हर्बी वोर्स मतलब प्लांट ईटर एंड प्लांट ईटर्स और जैसे मैंने आपको बताया था हर मतलब प्लांट और वोर्स मतलब ईटर एनिमल प्लांट और देयर पार्ट्स आर कॉल हर्बी वोर्स और हर्बी वोर्स एनिमल एनिमल्स जो दूसरे प्लांट को या उनके पार्ट्स को खाते हैं उन्हें हर्बी वोर्स एनिमल कहते हैं और यहाँ हर्बी वोर्स दो बार इसीलिए लिखा है क्योंकि हर्बीवोर्स की ये भी स्पेलिंग होती है और ये भी दर्ड हर्बी हैज बीन डिराइव्ड फ्राम द वर्ड हरबी विच मीन्स प्लांट एंड वो विन ईटर तो हरबी वोर जो ये वर्ड है इस डिराइव मतलब कि लिया गया है हर्बी वर्ड से जिसका मतलब होता है प्लांट और वो जिसका मतलब होता है ईटर काउ पेलो गोट थॉर्स शेप डियर जिराफ एलिफेंट जेब्रा रेबिट स्क् एक्सेट्रा आर कॉल हर्बी वोर्स एनिमल और इन सब को हर्बी वोरस एनिमल कहते हैं हर्बी वोरस है शार्प कटिंग टीथ इन द फ्रंट एंड फ्लैट ग्राइंडिंग टीथ एंड द ब्रैक जो इनके सामने के टीथ होते हैं सामने के टीथ बहुत नकीले होते हैं ग्राइंडिंग थ्री मतलब जो पीछे की टीथ होते हैं जबड़ा जिसको हम लोग कह सकते हैं वो फ्लैट होते हैं जिससे आज अगर फॉर एग्जांपल अगर आप रोटी खा रहे हैं तो आप किससे खाएंगे पीछे की टीथ से ना तो वही इन लोगों के पीछे की टीथ फ्लैट होते हैं कार्नी एनिमल अब हम लोग पढ़ेंगे कार्नी एनिमल फ्लश ईटर और जैसे कि मैंने आपको बताया था कार्नी मतलब फ्लश और वोर्स मतलब ईटर

और कार्निवर्स की ये तो स्पेलिंग होती है कार्निवर्स वर्ड लिया गया है डिराव मतलब लिया गया है वर्ड कार्नी जिसका मतलब होता है फ्लश और वोर जिसका मतलब होता है ईटर लॉय टाइगर लियोपाड टॉग लीजर्ड फ्रॉग आउल बल्चर स्नेक ऐसे ट्रा एनिमल और इन सबको कार्निवर्स एनिमल कहते हैं एनिमल सच एज लॉन एंड टाइगर है शार्प क्लॉस एंड पावरफुल जॉस टू होल्ड द प्रे तो ये जो एनिमल्स होते हैं सच एज लॉन लॉयन होती है टाइगर आप ले लीजिए उनके क्लॉज मतलब क्लॉज जो होते हैं उनके बहुत पावरफुल होते हैं और जॉज टू होर्ड द्रे और उनके पी और जो जबड़ा होता है जॉज होता है पूरे जॉ लाइन वो भी बहुत पावरफुल होती है दे टीयर द फ्लश विद दे शार्प एंड पॉइंटेड टीथ और ये फ्लश को अपने पॉइंटेड टीथ से टीयर कर लेते हैं मतलब अगर आप लॉयन को देखेंगे अगर उसके सामने कोई हिरण या कोई डॉग भाग रहा है तो उसको पकड़ के वो एकदम टीयर कर लेता है ना तो वही पे भी लिखा है और एक और बात की सारे टीथ की बात हुई है कोई एक डीत की बात नहीं हुई कि ये पॉइंटेड होता है वो नहीं सम एनिमल्स है जैसे स्नैक्स एंड क्रोकोडाइल स्वेलो द होल एनिमल और जो स्नैक्स और क्रोकोडाइल होते हैं वो पूरे एनिमल को ही स्वेलो मतलब निकल लेते हैं आउल एंड हॉक टीयर द फ्लश विद एंड स्ट्रॉन्ग विक्स और आउल और हॉक हॉक भी एक टाइप की बर्ड होती है ये बदट टीर करती है एनिमल्स को अपनी चोट से बीक से

बट दे ईट द फ्लश ऑफ डेड एनिमल्स स्केवेंजर्स, स्केवेंजर्स वो होते हैं जो फ्लश ईटर में तो आते हैं पर ये लोग फ्लश दूसरे एनिमल का नहीं खाते दूसरे जो डेड एनिमल हैं उनका फ्लश खाते हैं, जिंदा का नहीं खाएंगे और इसमें आते हैं जैसे कि वल्चर्स चैकल्स हैंड्स ये भी एक टाइप के स्कैंजर्स ही हैं आर ऑल्सो कार्नीवर्स ये भी कार्नीवर्स होते हैं दे डू नॉट ईट प्रे ये प्रे को नहीं खाते हैं बट दे ईट फ्लश ऑफ द डेड एनिमल्स और ये दूसरे डेड एनिमल्स का फ्लश खाते हैं वाइल्ड डॉग्स एंड वाइल्ड कैट आर कारनीवोर्स और जो जंगली कुत्ते और जंगली बिल्लियाँ होती हैं वो कॉनीवोर्स होती हैं और ये शहरों में नहीं जंगलों में पाई जाती हैं बिसाइड कार्नीवोर्स सम बैट्स आर फू फूगी वोर्स तो कार्नीवर्स के अलावा कुछ बैट्स ऐसे भी होते हैं जो फूगी वोर्स होते हैं फूगी मतलब फ्रूट और वोर्स मतलब ईटर तो ये वो नहीं खाएंगे फ्लश ये खाली फ्रूट खाएंगे फ्रूट ईटिंग वैल सम अदर आर वेम्पायर्स ब्लड सकिंग और कुछ तो होते हैं वेम्पायर्स जो खाली ब्लड चूसते हैं मतलब कि ये ना फ्रूट खाएंगे ना ये फ्लश खाएंगे बस ब्लड सक करेंगे तो इनको ब्लड सकिंग कहते हैं इसीलिए वेम्पायर पैट्स आर फाउंड इन अर्जेंटीना ब्राज़ील एंड चाइल्ड और वेम्पायर वाले ब्रैट्स जो होते हैं बैट्स वो अर्जेंटीना में मिलते हैं ब्राज़ील में और चाइल्ड में चाइल्ड भी एक टाइप की कंट्री है हमारा तो ये टॉपिक है कार्वो ओमिवर्स ओमनी वोर्स ओमनी मैंने आपको बताया था बोध बोथ में क्या आता है प्लांट और फ्लश और वो वोर्स का मतलब होता है ईटर तो जो प्लांट और फ्लश ईटर होते हैं उन्हें ओमनी वोर्स कहते हैं एनिमल दैट ईट बोथ प्लांट एंड फ्लश ऑफ अदर एनिमल आर कॉल्ड ओमनी वोर ओमनीवोर्स एनिमल द वर्ड ओमनी वो हैज बीन डिराइव फ्रॉम द वर्ड ओमनी विच मीन ऑल द विच मीन ऑल एन मीन्स ऑल एंड वो विच मीन्स ईटर तो जो ये जो एनिमल्स खाते हैं दूसरे एनिमल का प्ला दूसरे एन, एनिमल को खाते हैं या फिर दूसरे एनिमल का फ्लच खाते हैं या फिर प्लांट्स खाते हैं उन्हें ओमनीवर्स कहते हैं ओमनीवर्स की ये दो स्पेलिंग्स होती हैं तब और वो जो ये ओमनीवर वर्ड है इस, इसको लिया गया है ओमनी जिसका मतलब होता है ऑल ओवर जिसका मतलब होता है ईटर मैन हैंन भी है क्रोहाउस पैरोक्टर आर ओमनिवर्स एनिमल और ये सब ओमनिवर्स एनिमल है बीअर इट्स ट्विंग्स ऑफ द प्लांट एज वेल एस टर्म एंड ऑल्सो लाइक हनी बी एर ट्विंग्स तो प्लांट्स की खाता है मतलब कि ट्विंक मतलब टहनिया तो खाता है टर्माइट्स मतलब दीमक खाता है और हनी भी खाता है और ये मतलब सब कुछ खाता है इसलिए इसको ओमनी कहते हैं क्रो इट्स एनी थिंग और क्रो भी सब कुछ खा लेता है अ हाउस फीड्स ऑन इंसेक्ट एज वेल एज सीड और एक हाउस पैरो मतलब सीड्स भी खाती है सीट भी खाती है दूसरे इंसेक्ट्स को ये जो टेबल दिया हुआ है कि हर कैटेगरी में कौन कौन से एनिमल्स आते हैं और उन्हें क्या क्या, -क्या खाते हैं मतलब कि ये सब क्या क्या खाते हैं और इनकी इनकी जो फीडिंग हैबिट्स हैं क्या है तो so ये आप मुझे अपने आप से करके बताइएगा कि आपको ईजी लगा या डिफ़िकल्ट थी एक्टिविटी फिर हमारा एक चेक पॉइंट रैबिट इज अर् एनिमल मतलब रैबिट में हम को ट्रू और फॉल्स फॉल्स तो है? है। है? है। नहीं, है, नहीं, नहीं है वो तो दोनों खाता है स्नेक्स एंड द होल एनिमल यस स्नेक्स और क्रकड़े पूरे एनिमल को निकाल लेते हैं तभी ट्रू ओमि स्वीट ऑन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स ओमनी वो दूसरे डेड प्लांट्स और एनिमल प्लांट में फीड करते हैं खाते हैं हमारे पिछले जब पढ़ा था किसको तो उसके होते हैं तो यहाँ पे ये जो यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर फॉल्स वैसे अगर आप डेड वो, वो, प्लांट्स नहीं खाते हैं तो इसका आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे फॉल्स काउ एंड हॉर्स है कटिंग द फूड काउ और हॉर्स के शार्प कटिंग टीथ होते हैं फूड को कट करने के लिए यस तो यहाँ ट्रू हो जाएगा तो फ्रेंड्स अगर अब अप... जो हमारे पूरा चैप्टर ख़त्म हो चुका है अब आप अगर आपको वैसे तो कोई क्वेरी होनी नहीं, नहीं चाहिए मैंने इतने अच्छे से समझा दिया है पर अगर हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा हम वहीं आपकी क्वेरी क्लियर कर देंगे और चिंता करने की कोई बात नहीं है आपकी सारी क्वेरी क्लि क्लियर हो जाएगी आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेलाइकन प्रेस करना ना भूलिएगा जिससे आपको हमारी सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे और तब तक के लिए ब बाय